तो गाइस मैंने द फ्लैश देख ली और उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, बेपरवाह प्यार करना किसे कहते हैं। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में हमारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो हमसे हमें अपने मतलब के लिए प्यार नहीं करते, फिर चाहे वो हमारी छोटी बड़ी गलतियां ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमसे हमेशा प्यार करते हैं। तो उसी चीज को इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर इस छोटे से बच्चे से उसके पेरेंट्स का साया छूट जाता है तो उस पर क्या गुजरता है, उसको इस लाइफ को कैसे काटना पड़ता है, कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अकेले उसको। लेकिन अगर उस बच्चे के पास अगर कोई पावर आ जाए या कोई दिव्य शक्ति आ जाए जिससे वो पास्ट में जाके अपने पेरेंट्स को वापस ला सके, तो क्या वो ये करना चाहेगा? इसका आंसर बिल्कुल सीधा सा है कि वो इसके लिए पूरी कोशिश लगा देगा अगर ऐसा हो सकता है तो, चाहे उसकी फिर जान क्यों ना चली जाए। तो उसी चीज को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि बेरी लेन जो बंदा होता है उसके पेरेंट्स जब उससे बचपन में छीन लिए जाते हैं तो उसके पास अगर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पास्ट में जाके सब चीज ठीक कर सकता है और अपने मॉम को जिंदा कर सकता है और अपने डैड को भी बचा सकता है जेल से, तो वो करना चाहेगा और इस चांस को लेने के लिए वो पूरी भरपूर कोशिश करेगा। तो वो बंदा सिंपल सा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड को क्रॉस करता है जो कि लाइट का स्पीड होता है। मतलब अगर आप लाइट का स्पीड को क्रॉस करते हो ना तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है, जो कि थ्योरी एग्जिस्ट करता है। तो वही वो बंदा जब करता है तो उससे क्रोनो होल का निर्माण होता है। जब वो क्रोनो होल का निर्माण होता है तो वहां पर डिफरेंट रियलिटी दिखते हैं आपको कि आप पास्ट में कितना जाना चाहते हो, कितना पास्ट में जाना चाहते हो, सारी रियलिटी आपको दिखेंगी, कौन से टाइमलाइन में आप जाना चाहते हो। जब वो इस चीज को परख लेता है तो वो जाके हमारे बैटमैन भैया को बताता, जो कि हमारे बेनिफ्लिक भैया उसको बोलते भी हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका कंसीक्वेंसेस हो सकता है, तुम पूरे रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन फ्लैश को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए, उसको वो साया वापस चाहिए जो उसे छीन लिया गया था बचपन में, जो कि बिल्कुल फेयर नहीं था। इसलिए वापस से क्रोनो होल का निर्माण करता है और पास्ट में चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पास्ट में जाने का सोच ही रहता है लेकिन उसको कोई धक्का मार देता है, मतलब कि क्रोनो होल से उसको धक्का मार के जबरदस्ती उसको पास्ट में भेज दिया जाता है जहां पे उसके मम्मी पापा एग्जिस्ट करते थे और जहां पे वो कांड होने वाला था कुछ दिन बाद, जिसके बाद वो पास्ट को चेंज करने की पूरी कोशिश करता है और फाइनली चेंज कर भी देता है, जिसके वजह से उसके मम्मी पापा सेव हो जाते हैं। लेकिन उसके वजह से एक भसड़ मर जाता है जिसके वजह से उसको समझ में आता है कि अगर मेरे को जो पावर मिलने वाला है, मतलब कि प्रेजेंट में अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जो बच्चा, उसको अगर आज पावर नहीं मिला, जो कि मेरा हमशक्ल है, उसको अगर पावर नहीं मिला अभी तो मैं वापस से अपने रियलिटी में नहीं जा पाऊंगा। इसके वजह से वो उसको पावर दिलाने के लिए फिर से साइंस सिटी जाता है जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि फ्लैश को पावर कैसे मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा यूं है कि जो पास्ट में आया था फ्लैश उसका पावर छीन जाता है और जो वहां पे प्रेजेंट में अवेलेबल था, मतलब कि जो पास्ट में जो प्रेजेंट में अवेलेबल था उसके अंदर पावर आ जाता है और उसके पास से छिन जाता है। तो अब वो कैसे वापस ट्रेवल करेगा, जिसके वजह से उसको पता चलता है कि इस दुनिया में जनरल जॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है जो कि आ रहा है कैल एल को लेने, लेकिन यहाँ पे कैल एल एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको वो पहले ही मार चुका है और उसका जो सिनेप्सी से ले चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी सुपर गर्ल एग्जिस्ट करती है। तो उसको जब पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी मेटा ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता तो अब जनरल जॉर्ड को कौन रोकेगा? तो उसके बाद फिर वो एक आइडिया बनाता है कि यहाँ पे ब्रूस वेन तो जरूर एग्जिस्ट करता होगा, बैटमैन तो एग्जिस्ट करता होगा। जब उसको पता चलता है कि यहाँ रियलिटी में बैटमैन एग्जिस्ट करता है तो फिर वो फाइनली बैटमैन को खोजने जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो हमारे बेन एफ्लिक का बैटमैन नहीं होता, वो माइकल कीटन वाला बैटमैन होता है। हालांकि वो तैयार हो जाता है इसकी मदद करने, फिर वो लोग सुपर गर्ल को बचाते हैं, फिर वो सुपर गर्ल को बचाती है और फिर लोग जनरल जॉर्ड से लड़ने जाते हैं पूरा एक टीम अप करके। लेकिन होता यूं है कि यहाँ इस लड़ाई में बैटमैन भैया जो है हमारे वो भी मर जाते हैं और सुपर गर्ल भी मर जाती है। लेकिन फिर से जो दोनों फ्लैश है, मतलब कि जो करंट फ्लैश जो यहाँ पे बना है पास्ट में आके, जो नया वाला वो फ्लैश और जो हमारा फ्लैश आया था पास्ट में, वो दोनों मिलके पूरा पास्ट ट्रैवल करता है और वापस से चीजों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी चेंज होता है फिर से वो लोग दोनों मर जाते हैं। फिर चेंज करता है, फिर मर जाते हैं बैटमैन भैया और सुपर गर्ल। जब बार 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 ये चीजें कंटिन्यू होते रहता है तब वहां जो हमारे पास्ट में आया होता है उसको पता चलता है फ्लैश को कि ये चीज बिल्कुल भी इनइविटेबल है, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। पास्ट में आके चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उनका मरना ही होगा, जिससे उसको समझ में आता है कि भले मैंने अपने पेरेंट्स को बचा लिया लेकिन ये जो शहर है, ये जो वर्ल्ड है, वो जनरल जॉर्ड के हाथों खत्म हो जाएगा और फिर से मेरा रियलिटी खत्म हो जाएगा, मतलब कि मेरे मम्मी पापा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब फाइनली उसको ये बात समझ में आता है तब वो इस चीज को वापस से रिवर्स करने जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना करेंट वाला फ्लैश है जो यहाँ पे आके बना है, वो अब इसको रोकना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब इसको रोकेगा ना, क्योंकि उसको तो अपने चाहिए ना मम्मी पापा, वो तो इतनी चीजों को अच्छे से नहीं समझाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब ये फिर भी रोकने जाता है ना तो एक और फ्लैश यहाँ पे आ जाता है, जो कि कहानी में ट्विस्ट है, जिसका नाम होता है डार्क फ्लैश। अब डार्क फ्लैश कहाँ से आया ये सुनो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक बंदा होता है जो उसको पास्ट में ढकेल देता है जानबूझ के, तो वो होता है डार्क फ्लैश। और डार्क फ्लैश और कोई नहीं होता है, जो प्रेजेंट वाला जो पास्ट में जाने के बाद जो फ्लैश बनता है ना यहाँ पे, जो प्रेजेंट में एक्चुअली पास्ट का होता है,
वही जो फ्यूचर में जाके बनेगा ना फ्लैश, उसको बोलते हैं डार्क फ्लैश। तो डार्क फ्लैश वही होता है और कोई नहीं, मतलब तीनों का रियलिटी का जो है एग्जिस्टेंस है उसी का है डार्क फ्लैश। मतलब बैरी एलन ही है डार्क फ्लैश, और वो भी उसको लास्ट में पता चलता है जब उसके कट मार्क देखता है कि ये तो मेरे जैसा कट मार्क है। तब उसको समझ में आता है कि वहां पर जो ढकेला था इसको पास्ट में, वो और कोई नहीं डार्क फ्लैश था। और डार्क फ्लैश क्यों ढकेला था, क्योंकि वो भी अपने मम्मी पापा को बचाना चाहता है। मतलब तीनों देखा जाए तो एक ही आदमी है लेकिन सब अलग अलग टाइम लाइन से है। तो जब वो बचाने की कोशिश करता है तो इसको जान उसके पास्ट में भेजता है कि ये रिवर्स करे चीज की उसके मम्मी पापा बच जाए और वो इस चीज को इनिविटेबल से बचा सके। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये इनिविटेबल है तो वो फिर से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो मारने जाता है बैरी एलन को, हमारे वाले बैरी एलन को, तो वो जो प्रेजेंट वाले बैरी एलन है पास्ट का, वो बीच में आता है और वो मर जाता है। अब वो मरता है तो ये भी मरेगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो फ्यूचर में जो इसका रियलिटी होता है, फ्यूचर में जो इसका होता है जो कि डार्क फ्लैश बनता है अनफॉर्चुनेटली, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये मरा तो वो भी मर गया, अब सिर्फ हमारा वाला बैरी एलन बचा जो कि वापस से पास्ट में जाएगा और सब चीज़ों को ठीक करेगा। लेकिन जब वो पास्ट में जाता है फाइनली ठीक करने, तो इस बार वो फिर से एक चीज़ जानबूझ के गलती करता है, जिसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जब वो अपने रियलिटी में आता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो बेन एफ्लेक वाला बैटमैन था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब डीसी का पूरा टाइमलाइन रीसेट हो चुका है, यहाँ पे बेन एफ्लेक का बैटमैन एग्जिस्ट नहीं करता है, ब्रूस वेन एग्जिस्ट करता है जो कि फ्लैश को जानता है और जो जो चीज़ था सब कुछ सेम है। लेकिन हमारा वाला जो बैटमैन है वो नहीं है, बेन एफ्लेक की जगह कोई और बैटमैन है, यहाँ पे ब्रूस वेन कोई और है, हमारा बैटमैन एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके वजह से डीसी का टाइमलाइन रीसेट हो गया, जैसा कि जेम्स गन ने बोला भी था। लेकिन और सब चीज़ें एज इट इज वही है, मतलब कि उसका बाप भी बच गया और यहाँ पे बेन एफ्लेक की जगह पे कोई और बैटमैन हो गया, बाद बाकी जितने भी पर ये सब थे सब कुछ वही है। बाद बाकी अगर एक्वामैन की बात करें तो वो भी वही है, जो कि एक्वामैन को पोस्ट क्रेडिट में समझा भी हो रहता है कि मेरे साथ क्या हो गया, जितने सारे बैटमैन से मिला सबकी एक ही कहानी है, सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब अलग है, सब डिफरेंट पर्सनैलिटी है, जो कि समझा रहा था उसको, लेकिन वो समझने के हालात में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो वन बोतल डाउन होकर गिरा होता है। तो ओवरऑल स्टोरी देखे तो यही है, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं जिससे आपको पता चला कि ये मूवी आपको देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, ये स्टोरी जो इसमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा अनोखा और अलग टाइप का है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया लेकिन आप जब जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा कैसे वर्क करता है और कितने बेहतरीन तरीके से इसको दिखाया गया। दूसरा चीज बात करूंगा इसकी स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि इसमें कहीं बोर नहीं होते हो, इंटरेस्ट के साथ पूरा मूवी देखते हो। तीसरा चीज बात करूंगा मैं बीजीएम की, जब लास्ट वाला फाइट सीक्वेंस है ना वहां पर जो बीजीएम बजाया जाता है ना वो भी काफी सही है। और चौथा बात करूंगा मैं कि इसका VFX बहुत ज्यादा कूल है और ऑसम है, जिसको देखने के बाद गुजबम्स मिलते हैं। लेकिन उसी के साथ बात करूंगा कुछ नेगेटिव पॉइंट के, कि नेगेटिव पॉइंट वन इसके अंदर ये है कि इसमें बेन एफ्लेक का बैटमैन का और थोड़ा ज्यादा सीन दिखाना चाहिए था। जितना दिखाया बहुत मस्त दिखाया और बहुत मजा आया, लेकिन और थोड़ा सा सीन होता ना तो मजा आ जाता। मतलब जस्टिस लीग का और थोड़ा सा सीन इसमें अगर हम लोग को देखने मिलता तो चार चांद लग जाता। लेकिन हालांकि ये कोई ड्रॉबैक हुआ नहीं। तो अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो ओवरऑल मूवी जो है वो एक पटाखा है, मतलब बॉम्ब से कोई कम नहीं है, जाके इसको जरूर एक्सपीरियंस करो। ये डीसी का वन ऑफ द मास्टरपीस मूवी है मेरे ख्याल से, और मेरे को लगा ये इसको मैं दोबारा देखने का बिल्कुल सोचूंगा। तो आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो जाओ, बिल्कुल मत टाइम वेस्ट करो, जाके देखो। लेकिन उसी के साथ जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपके लास्ट में माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, सारे सवाल का जवाब दे दूंगा मैं, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर कि आपने मुझे को फॉलो किया हो, और तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना RST Words।